आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज हम इस कार्यक्रम में, इस श्रद्धांजलि सभा में, केवल और केवल विजय मल्ला जी की बात करेंगे, सुर सम्राट की बात करेंगे। और कोशिश करूंगा कि आज हम ये कार्यक्रम उनको ही समर्पित करें। कृषा, आज हम इस श्रद्धांजलि सभा शुरू करने से पहले क्या कहना चाहते हैं आप, और किससे आज आप शुरुआत करेंगे? मैं सबसे पहले तो सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी, और खास करके रेणु मल्ला जी का, जिन्होंने मेरी इसमें आज जो कुछ भी मैं गाऊंगी, ये इसका सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, क्योंकि उन्होंने सुबह शाम अपने पास मुझे वीडियो कॉल पे वो हमेशा प्रैक्टिस करवाती थी, जी घंटों एक एक गाने की एक एक लाइन, उसका एक एक जो वर्ड है, उसके जो भाव हैं वो बताती हैं। तो मैं बहुत उनका धन्यवाद करना चाहूँगी, और मैं यही उम्मीद करूँगी कि आज मैं जो उन्होंने सिखाया है बिल्कुल वैसा गाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी, और उन्हें मैं निराश नहीं करूँगी बिल्कुल। कैसे और किससे शुरुआत करेंगे आज? और आपके शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर रेणु मल्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, उन्होंने हमें प्रेरित किया। तो आप शुरू करिए ये कार्यक्रम। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आज आदरणीय विजय मल्ला जी को अपनी गायकी के उसमें श्रद्धांजलि देना चाहूंगी। हालांकि उनके गाने गाना मेरे बस की बात तो नहीं है, पर मैं ये मेरा एक छोटा सा प्रयास रहेगा उन्हें श्रद्धांजलि देने का। तो जी सबसे पहले, प्रोग्राम शुरू करने से पहले, मैं विजय मल्ला जी को पुष्प अर्पण करना चाहूंगी। जी 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 बहुत बहुत अच्छी बात है। पिंकी कॉल जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आपने स्टार्स, फेसबुक स्टार्स भेजे हैं आज इस कार्यक्रम में। मैं कोशिश करूंगा कि आज हम इस कार्यक्रम को विजय मल्ला जी की ओर ही रखेंगे। पिंकी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मेरे जो गुरुजी हैं डॉक्टर रमेश निराज जी, उन्होंने विजय मल्ला जी के लिए कुछ श्रद्धा सुमन भेजे हैं, उन्हें मैं जी आप सभी के सामने गाकर पेश करना चाहूंगी। श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि सुर सम्राट श्रद्धांजलि 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 सुर सम्राट श्रद्धांजलि 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 सुर सम्राट एक शिर को मुख कन्ने हुंद कन दूर सुर सम्राट एक शिर को मुख कन्ने हुंद कन दूर छाई कति छू कोत गोत्रैवित अस निश्चय छुख दूर छाई कति छू कोत गोत्रैवित अस निश्चय छुख दूर श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि सुर सम्राट श्रद्धांजलि 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 कति मुशरावो सुई लोक चारुक उल्फत ते बेलोर कति मुशरावो सुई लोक चारुक उल्फते बेलोल चांद चल नहीं मल्ला सबा जिगरस अंदरी होर चांद चल नहीं मल्ला सबा
जिगरस अंदरी होल, श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि, सुर सम्राट श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि। धन्यवाद। सखा जान कृषा बेटा, और जम्मू कश्मीर एक मारूफ तो मशहूर गुलकार तम नहायती असल इंसान यम सुर सम्राट विजय मल्ला नाव सत्य जाना। उनका जन्म 7 फरवरी 1956 को हुआ था श्रीनगर में। और जब हम उनके बारे में बात करते हैं और जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो हमें एक दिल पर एक सुकून सा मिलता है जब हम उनकी आवाज सुनते हैं। तिंद दर्शन सत ऐसे सर्वन दौख तो दर्द चलान वलि बोजो दर्शन दौख चाले त्रिभुवन लालो। मैं आप सभी लोगों को दर्शन दोक्से सुनाना चाहूंगी, जो कि लिखा है पीएन कोल सर जी ने। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को पसंद आएगा। अगर कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा। दर्शन दोख सई, दर्शन दोख सई, त्रिभुवन लालई, दर्शन दोख सई, त्रिभुवन लालई, पंपोष मालई, त्रावई मंचे भावनाई, रतन दी जालई, मंचे भावनाई, रतन दी जालई, पंपोष मालई, त्रावई नाई, दर्शन दो जाई। देवकी हिंदे टाट वसुदेव नीलालई, जसदाई नंद बा बन बरी मालई। देवकी हिंदे टाट वसुदेव नीलालई, जसदाई नंद बा बन बरी मालई। राधाई लोगनक शेर गोपालई, राधाई लोगनक शेर गोपालई, पंपोष मालई, त्रावई नाई, मंचे भावनाई, रतन दी जानई, मंचे भावनाई, रतन दी जालई, पंपोष मालई, त्रावई नाई, दर्शन दो सई। जगहिंदी रखपाल कंस निकालई, जुल्मों की तती गोलुथ न्याल। रखपाल कंस निकालई, जुल्मों की तती गोलुथ न्याल, भक्तन हाल अहवालई,
हाल अहवाल पंपोष माल त्रावई मंचे भावनाई रतन दी जाल मंचे भावनाई रतन दी जाल पंपोष माल त्रावई दर्शन दक चैन रासा गिंदे वुन्ने आनंद लाले अरजल दीवने रथ बाले रासा गिंदे वुन्ने आनंद लाले अरजल दीवने रथ बाले टूट अज सयलस बंद कृपाल टूट अज सयलस बंद कृपाल पंपोष वाल त्रावई मंचे भावनाई रतन दी जालई मंचे भावनाई रतन दी जालई पंपोष मालई त्रावई दर्शन दक चैन धन्यवाद सठा जान मिच कृषा पूर्व उम्मीद कि सुर सम्राट विजय मला जी ती आसन वनकस चीनी आवाज बोजान तिहद आशीर्वाद हमेशा तह खर सान खर सर्वन खर तो तिंद परिवार खर। जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं सबके शायद नाम ना ले पाऊं। इस समय पूरे विश्व से हमारे साथ जुड़े हैं लोग, शुभांगी डिसोजा कुवैत से जुड़ी है, भारत जी कैनेडा से जुड़े हैं और हमारे साथ बेंगलोर से और पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से लोग जुड़े हैं। मैं उन सबको ये कहना चाहता हूं कि एक ऐसा नाम, एक ऐसी आवाज जो रूह को छू जाती थी, क्योंकि उनकी माता श्री भी बहुत अच्छा गाती थी, वो हमेशा भजन और गीत गाती रहती थी। हर कवई तोत सुन्स पर गांड जिए लिजिए दूर अंद्रा हर कवई तोत सुन्स पर गांड जिए लिजिए दूर अंद्रा मुनिर मुन पानस ही कंवजिए लजिए दूरंद्रा हर कवई तोत संस पर गांड जिए लजिए दूरंद्रा आसमान दरी छाए कोर पे जिए हाल कर बोल कुंत्राय आसमान दरी छाए कोर पे जिए हाल कर बोल जाई चुन तो नहीं हार वात जिए ले जिए दूर अंग्रा जाई चुन तो नहीं
जिए विषया सठा जान, मैं बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं इस समय जो आपके प्रोनाउंसिएशन के लिए आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत परफेक्ट है, तो आप इस बात को ऐसे ही बनाए रखें। जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, मैं केवल और केवल उनको यही कहना चाहता हूं कि कृषा एक डेडिकेटेड सिंगर है, ये बहुत सारा रियाज करती है। और आज हम और कोई बात ना करते हुए हम आज केवल और केवल सुर सम्राट विजय माला जी की बात करेंगे। और आज मैं भी भावुक हो रहा हूँ उनको याद करते हुए। और कृषा बिंदास ऐसी आवाज में आज अपनी प्रस्तुति दे रही है जहां पर हमारे साथ पूरे विश्व से लोग जुड़े हैं, वो कृषा आपको सुन रहे हैं। मैं यहाँ आज कमेंट्स की ओर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे सुर सम्राट विजय मल्ला जी की आवाज ऐसी थी कि जब कानों तक पहुंचती थी तो इंसान वही थम जाता था, और यह सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। आज दिखी ये बदस्तूर जारी यल्तिजन इस चाहे रेडियो स्पेट चाहे टेलीविजन स्पेट इस विजय मल्ला जी आवाज बोझांच अच थामे गसा अच जारी। कृषा अस बोझो अख ब्याख कशुर बहुत यूज़न विजय माला सबन गयोमुच तेम पत कर्ब से आख ज सवाल
تو تمہِ پتہٕ پکناوو أسۍ یہِ کاریکرم برونٛہہ. ؤلِو سٲری بوزو أسۍ ملا صٲبُن بٲتھ راہ بخشتم. बिल्कुल बिल्कुल. तो मैं अब आप सभी लोगों को ये गाना राह बख्शतम सुनाना चाहूंगी और मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आएगा. राह बख्श तम सर परवरदिगारे, राह बख्श तम सर परवरदिगारे, ते क्यों वातियों म्यान मर नहीं, ते क्यों वातियों म्यान मर नहीं. राह बख्श तम सर परवरदिगारे, राह बख्श तम सर परवरदिगारे, से क्यों वातियो म्याय मरने, से क्यों वातियो म्याय मरने. हेन बो आयोस देन क्यों बरियो, वेन कोई रंग गोम खास बबरे. हेन बो आयोस देन क्यों बरियो, वेन कोई रंग गोम खास बबरे. लोल सुई थो थमो ललवुन नारो, लोल सुई थो थमो ललवुन नारो, से क्यों वातियो म्यान मर नहीं, से क्यों वातियो म्यान मर नहीं. सिपार त्रिहमर परम के आलो, फिर लो उन गोम जेर जबरे. सिपार त्रिहमर परम के आलो, फिर लो उन गोम जेर जबरे. अशकुन खत कैसी पूर्ण यख बारो, अशकुन खत कैसी पूर्ण यख बारो, से क्यों वातियो म्याय मर नहीं, से क्यों वातियो म्याय मर नहीं. तब छुन बदनस हब खो तूने, अदनो आहम जात खबरे. तब छुन बदनस हब खो तूने, अदनो आहम जात खबरे. तिल ये खाई त्रावनम नजारो, तिल ये खाई त्रावनम नजारो, से क्यों वातियो म्याय मर नहीं, से क्यों वातियो म्याय मर नहीं. राह बख्श तम सर परवरदिगारे, राह बख्श तम सर परवरदिगारे, से क्यों वातियो म्याय मर नहीं,
से क्यों हुआ कियो म्यान मरने, से क्यों हुआ कियो म्यान मरने, से क्यों हुआ कियो म्यान मरने। धन्यवाद। शाह बेटा, सठा जान, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और आपके लिए सारे लोग अपना आशीर्वाद भेज रहे हैं। और मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि जैसे आपने पहले भी कृषा के ऊपर अपना आशीर्वाद भेजा, बनाए रखा, वो आज भी बनाए रखें। हमारे साथ मंदाकिनी कॉल भी जुड़ी हैं दिल्ली से और बहुत सारे लोग जुड़े हैं। और मैं इतना कृषा आपसे जानना चाहता हूं कि जब आपने ये सारे गीत और गाने तैयार किए, किस तरीके से आपने इसकी तैयारी की और कैसे आपको इन बारीकियों के बारे में कहा गया, समझाया गया, तो कृपया ये प्लीज बताएं। जो मैं आज जो कुछ भी मैं गा पा रही हूँ, इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ रेणु मल्ला जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने, जैसा मैंने बताया कि सुबह शाम वो मेरे साथ मुझे सिखाती थी, एक एक जो लफ्ज़ है उसका मतलब बताती हैं और उसमें भाव कैसे लाने हैं वो बताती हैं। तो ये अगर वो मुझे नहीं सिखाती तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी बारीकियों से इसे गा पाती, और मैं इसे उन जो उन्होंने सिखाया है उसी तरह गाने की पूरी कोशिश करूंगी, और अगर मुझसे कोई गलती हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। रेणु जी, हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप विजय मल्ला जी की जो गायकी है उसका एक अभिन्न अंग है। आपने बहुत नजदीक से, करीब से देखा है, हमने तो उनको केवल सुना है। और हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप इस जो हमारी ये सारी सारी एक विरासत है, इस विरासत को आप आगे की ओर लेके जा रहे हैं ताकि ये विरासत हमारी बनी रहे और हम इस विरासत को एंजॉय भी करते रहें और इसके साथ हम अपने आप को भी जोड़ें और जितने भी लोग हमारे पूरे विश्व में ये शो सुन रहे हैं उनको भी हम आज सुर सम्राट विजय मल्ला जी की विरासत से जोड़ रहे हैं। मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगा, सुर सम्राट विजय मल्ला जी ने जम्मू कश्मीर देश के अन्य जगहों पर भी कंसर्ट किए, अपनी छाप छोड़ दी उन्होंने और सभी के दिलों पर राज किया। उसके बाद मैं कुछ पिक्चर्स, कुछ फोटोज मेरे पास हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। तो कृषा, लोल नारन जोलनम सीनय, प्लीज गो अहेड। बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। शराब जुत में कल
लोलनारम जोलनम सीने इतकही त्रिशा बेटा से अथ प्रोनाउंसिएशन करत सठा एक्यूरेट पिंकी कॉल जी छुवना वी आर प्राउड ऑफ यू त्रिशा बेटा फॉर कैरिंग फॉरवर्ड द लेगेसी ऑफ सुर सम्राट विजय मलाजी एक्सीडेंट छ भारत जी कनाडा पेट लेखा त्रिशा बेटा वी विल बी मीटिंग फॉर वंस श्योर आई व्हेन आई विजिट इंडिया तो त्रिशा बेटा हमारे साथ अशि पे मे क्लास फेलो अब्दुल रशीद वानी तुम वन लाजवाब वन चुन आवाज पूर दुनिया तम वाता कोशिश अह कि करो विजय मलाजी अक लट बे रिफ्रेश बे करो याद बे करो तिहुन सफर याद त्रिशा बेटा मे वन सी ये कि ये वक् जन तैयारी करान चाहे सोशुर चाहे सो क्लासिकल मनस मन क्या चावान तमें वक्त जब भी मैं कोई भी गाना गाती हूँ खास करके जो कश्मीरी गाने में गाती हूँ
तो जी कश्मीरी गाने गाते वक्त एक चीज बहुत जरूरी होती है कि शब्दों का जो उच्चारण हो वो सही जी होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि मैं जैसे जयपुर में ही पली बड़ी हूँ, तो मुझे लेकिन मेरे परिवार वालों का, मेरे गुरुजनों का इसमें बहुत साथ रहा है जिससे मैंने इसे आगे बढ़ाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कश्मीरी सिंगिंग में मुझे लोग इतना आशीर्वाद देंगे, प्यार देंगे, और मुझे इससे, जब मुझे लोग जो मेरे देखने वाले हैं, जो दर्शक हैं, वो जब आशीर्वाद देते हैं, तो मुझ में एक उत्साह, एक मोटिवेशन आ जाता है, और ये सब उसी का परिणाम है कि आज अगर मैं इसे कोई कश्मीरी गाना या कोई क्लासिकल गाना सही तरीके से गा सकती हूँ, गा पाती हूँ, तो उसमें मेरे गुरुजन, मेरा परिवार, और पहले तो भगवान है जिसने मुझे ये कला दी है, मेरे गुरुजन, मेरा परिवार और मेरे देखने वाले, उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। कृषा बेटा, मैंने ये प्रश्न आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आप हमारी धरोहर को आगे लेके जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आप हमारी विरासत को आगे लेके जाएंगे क्योंकि आपका जन्म हमारे निर्वासन के बाद हुआ, जब हम कश्मीरी पंडित अपने घरों को छोड़ के कश्मीर से देश के बाकी हिस्सों में आए। और उसके बाद जैसे आप इस समय जयपुर में हो और जयपुर में आप पढ़ रही हो, जयपुर में बड़ी हो रही हो, और हम सब लोग अलग अलग जगहों से जुड़े हैं। ये एक प्लेटफॉर्म, एक माध्यम है जहां से हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और अपने कल्चर की, अपने जो हमारी विरासत है, जो हमारा वजूद है, उसकी हम बात करते हैं। मैंने इसलिए यह पूछा कि सुर सम्राट स्वर्गीय विजय मल्ला जी ने क्लासिकल वोकल प्रेम संगीत निकेतन कश्मीर से 10 साल की उम्र में सीखना शुरू कर दिया था, और उसके साथ साथ वो कश्मीर के साथ बहुत सारा प्यार करते थे। जब हम कश्मीरी पंडितों का निर्वासन हुआ और इसके साथ ही विजय मल्ला जी भी निर्वासित हुए और जम्मू आ गए, और जम्मू आते आते फिर उन्होंने एक गीत गाया, एक गीत गाया, या जन इस कश्मीर पठवानो जिंद रोज न बापत छो मरुन प्यावा। कहीं ना कहीं तत् मंजन आत बहुत मंजन आत गीतस मंज छु सु दुख दर्द युज जन ऐसे सर्व्य मतलब जूल सब, हम सब कश्मीरी पंडितों को जब निर्वासन में निकलना पड़ा घर से, और जो तकलीफें, जो दुख दर्द हम सब ने झेली, वो महसूस उस समय विजय मला जी ने भी उस गाने को गाते हुए की। वल्यू बोझो ऐस यही बात जिंद रोज ने बापत छो मरुण प्यावा। कृष्ण धन्यवाद। तो मैं आप सभी के सामने ये गाना रखना चाहूंगी, और अगर मुझसे कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा। जिंद रोज बापत छी मरान मरखना लाइक पाकी जखा प्याल क्यों उफ जिंद रोज़ बापत छी मरान मरखना लाइक पाकी जखा प्याल क्यों उफ रखना जिंद रोज वापत छी मरान न छुदार अलान परदत न छुब्रांद दजान न छुदार अलान परदत न छुब्रांद दजान वावस छु वनान काज मुलू करख
ऋषा बेटा, मैं क्या कहूं आपके लिए, आपकी आवाज के लिए। जैसे मैं पहले भी आपको स्टैंडिंग ओवेशन दे चुका हूं, एक बार फिर मैं आपके लिए स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा हूं। और आपका जो समर्पण है संगीत के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। डॉक्टर रमेश निराश जी हमसे जुड़े हैं, वो कह रहे हैं आप संगीत की देवी सरस्वती माँ हो, और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस चीज को बनाए रखें, और जितनी मेहनत आप कर रहे हो वो आपको हमेशा करनी है। आप पानी पी लीजिए, मैं एक कमेंट लेता हूं, और मैं चाहूंगा कि रेणु जी इस कमेंट के लिए हमारे साथ जुड़े। हमारे पास एक कमेंट आया है, मैं ये कमेंट पढ़ूंगा, और ये कमेंट भेजा है हमारे पास रमेश मराठा जी ने। रमेश मराठा जी, आपका इस लाइव शो में स्वागत। आपकी जो बात है वो मैं पहुंचाना चाहता हूं सबके पास। और रमेश मराठा जी लिख रहे हैं, वाह विजय मला, ए ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, नोबल सोल। विजय के साथ मेरा लगभग 40 साल का रिश्ता रहा है। मुझे आज भी याद है कि मेरी सिस्टर्स की शादी में वो मेरे गांव आए थे, उनके साथ अशोक काक भी थे, काफी दिनों तक मेरे साथ रहे। कठुआ रेडियो में भी कंसर्ट होते थे, हम उनको वहां पर बुलाते थे, और कुलदीप सप्रू जी भी उनके साथ आते थे। यहां मैं जरूर कहूंगा कि कुलदीप सप्रू जी एक बहुत ही मायानाज हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है, जिन्होंने विजय मला जी के साथ भी बहुत सारा काम किया। और जहां तक मेरी जानकारी है, जो विजय मला जी ने आखिरी गीत गाया था वो भी उन्होंने कुलदीप सप्रू जी के साथ
ही गाया था। और मराठा जी कह रहे हैं कि उनके साथ आते थे मेरे माँ, उनको खाना खिला के रात को मेरे घर कठुआ में रहते थे, और प्राइवेट कंसर्ट भी जब होता था तब हम उनको वहां पे बुलाते थे। और विजय जी के बारे में क्या कहूं, और ये श्रद्धांजलि रमेश मराठा जी की ओर से आई है, इसलिए मैंने कहा रेणु जी कि आप इस समय हमारे साथ जुड़े, और ये जो कमेंट है ये रमेश मराठा जी की ओर से आई। मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में सबको मैं जोड़ूं, पर इस कार्यक्रम की एक मर्यादा है, कुछ लोग जुड़ नहीं पाते हैं, और हमारी कोशिश ये है कि आज हम इस कार्यक्रम में सुर सम्राट विजय मल्ला जी को याद भी करें और श्रद्धांजलि भी देंगे। हमारे स्टेट के एक बहुत ही कमाल के लेखक पीएन शाद साहब का भी हमारे पास एक श्रद्धांजलि वीडियो आया है, जो हम कुछ समय के बाद ही हम आप सबके साथ साझा करेंगे। अभी हम आगे चलते हैं, और मैं आपको ये कहूं कि स्वर्गीय विजय मल्ला जी ने बृज कृष्ण शेर जी से बहुत कुछ सीखा, उनको वो गुरु मानते थे, और गजल ट्रेनिंग उन्होंने उस्ताद जगन्नाथ शिवपुरी जी से ली। जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्रेम संगीत निकेतन कश्मीर में उन्होंने अपने संगीत का सफर शुरू किया, और संतूर वादक भजन सोपोरी साहब से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा। मगर ऐसे त्रैविक द्राई तिम पन्न सफरस पेट वलि बोझ तिहुंद अख बत अख कवो छुत्स में त्रवित गथान टाठी यारो सो सुन टाठी और। हम हमेशा मिस करते हैं, मैं विजय मल्ला जी से नहीं मिला हूं, पर आज हम उस परिवार के एक ऐसे सदस्य हैं। बहुत सारी हमारे दिल में दुख तकलीफें भी है, वो भी हम आज साझा करेंगे, जो इस परिवार के साथ, जो हमारे साथ नहीं होना चाहिए था। फिलहाल हम कृषा से सुनेंगे कवो छुक्स में त्रवित सलान टाठियार। कृषा प्लीज। धन्यवाद।
आप जो इस समय सुकून के पल विजय माला जी की यादें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है और आपको ये निरंतर करते रहना है। बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पर नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि आज कुछ ऐसा समय है। बेटा मैं एक कमेंट ले लूँ, यहाँ पे हमारे पास वीरेंद्र रावल जी जुड़े हैं और उन्होंने एक कमेंट हमें भेजा है, मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। वीरेंद्र रावल जी कह रहे हैं, जस्ट फ्यू मंथ्स बिफोर हिज एक्सपायरी आई हैपन टू मीट विजय माला जी व्हाइल आई वाज मेकिंग डॉक्यूमेंट्री ऑन पंडित पी एन साहिल सर। विजय जी वाज द पर्सन हु गेव फर्स्ट हिंट ऑफ पंडित साहिल पंपोश मालई त्रावई नवे। ही शेयर्ड विद मी द डिटेल्स ऑफ द सॉन्ग एज टू हाउ ही गॉट अपॉर्चुनिटी टू सिंग दिस सुपर डुपर हिट सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम। I reflected those details in the film so that our future generation is apprised of the reality of the happening. Virender ji, aapka bahut bahut swagat is live show mein. Virender ji, toh chu tisa satha jaan kaam kara sani culture khata toh chu tim document banama himzan document in the world generation paran tem sita like timan sani culture ch pata yuzan winkana sersi दुनियास मज बिखरियामुत एस पी कॉलेज श्रीनगर मज कमो ग्रेजुएशन तिमन यारन हुंद बड़ अमार तवे वनुक अमी यहर करनस बांबरे वलियो ये बर्थ बोजब ऐस कृषा हिंज जबन तो करो याद बे अकलेट
विजयमाला सर बस।
बिंदास गाया कृषा आपने ये हुरे में न्यूनम सूर्य दिल, आपने इसको इतने अच्छे से गाया कि हमारे पास एक कमेंट वीना जी का आया, वो कहती कि मैंने बहुत समय के बाद ये गाना सुना और आपने उसी अंदाज से इसको गाया, उसको पेश किया। आपके गुरुजी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि हजारों नहीं करोड़ों दिलों में वो आज भी बसता है, सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए संगीत ही एक रास्ता है। इससे पहले भी डॉक्टर निराश जी ने कई सारे पंक्तियां लिखी यहाँ पे, सब सारी सभी तो मैं शायद नहीं ले पाया, पर ये पंक्तियां जो है ये सच में श्रद्धांजलि है उस महान व्यक्तित्व के लिए। कृषा क्या कहोगे गुरुजी को? बिल्कुल बिल्कुल, इनका मतलब मैं क्या कहूँ, इनका बस मुझे आशीर्वाद चाहिए और वो मेरे साथ है, इसलिए मैं इतना अच्छा मतलब आप सब लोगों को पसंद आ रहा है वैसा गा पा रही हूँ। जी, कृषा अब हम यहाँ पर एक श्रद्धांजलि हमारे अपने ऑडियंस को शेयर करना चाहेंगे जो हमारे पास आई है जम्मू से। आदरणीय पीएन शाद साहब ने एक कुछ पंक्तियां लिखी है उनके लिए, और वो पंक्तियां मैं सबके साथ यहाँ पे साझा करना चाहता हूं। उससे पहले मैं कहूं कि जैसे खुद मला जी ने कहा कि मैं मेहदी हसन साहब का एक बहुत बड़ा फैन हूं, और उनको मेहदी हसन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था, और बहुत सारे मायानाज कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया और मां भारती का नाम रोशन किया। मां से मुझे याद आया कि मर्ज छ अखर मर्जी आसा, ये एक ऐसा गीत है जो विजय माला जी ने गाया है और इसको लिखा है हमारे आदरणीय पीएन शाद साहब ने। पीएन शाद साहब ने जब ये श्रद्धांजलि यहां पर मेरे पास भेजी तो मैंने उनको कहा कि ये श्रद्धांजलि हम अपने ऑडियंस के साथ जरूर साझा करेंगे, और इतना मैं आपको जरूर कहूं कि मर्ज अखर मर्जी आसान ये पूरे विश्व में मशहूर हुआ। आइए आपको मैं इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अमित बैकग्राउंड जो ये पी एन शाद साहब सिंस मर्ज गुजरे तिम पत की टाइम पत गाओ ऐसे क्वेश्चन बटन निर्वासन शुरू ये वक्त तुम जो आए किन टाइम पत आई शाद साहबस मर्ज स्वप्नस मस तो तिमो ओन तिमन गोबरा तस क्या द्राक्ष मैं त्रवित मैं ओस ये वमेद ऐ छुख ना मैं दुद तो दान रोचमुत खोमुत चोमुत सोमुत तो वुजनोमुत तो बोड वातनोमुत चोरन कोरियन मंस चुक कुनी में लाल चून लोल ओसम आमुत तो बेई ते वरिया किन कथ वन तिमो शाद साहबस मौज मौज हेक नहीं इंसान जहन मशरूत। दपा शाद साहब दोमि दुस बह कमरस मज बिहित ओश चुस हारान तो तुलुम कलम तो लोगुम लेखुन क्या लिखुम ते वक्त थोम तत् कुन ध्यान की सिर्फ गोस लेखा कह पत अख मुशायरा अख जमिस मज तो तिमो पोर ये तथ मुशायरस मज जमिक अख बहुत सठा काबिल म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर राजेश खार साहब गई तिमन निश तिमो वोन तिमन कि मे दियो यम लिरिक्स तो बह गवे बह कर कम्पोज तिमो कोर ये कम्पोज तो ये वोनुक मला साहबस गवन खातर अथ दौरान अस मला साहबी मौज त गुजरेमच। मला साहबन सूच कि ये कर बह श्रद्धांजलि अर्पित पनि माज खातर मौज मौज आसान अत कहीं शक मे त गई मौज चोर रेत ब्रोह अस त्रवित बहुस आज ये प्रोग्राम वसात सारे माजन ये बर्थ समर्पित करा तो ये बर्थ बोजव कृषा हिंज जबान मौज अखर मौजी आसान तम ब्रोह कर बह कोशिश इस शाद साहबन कह पंक्तियां लेचम
Vijay, Mala Sabnis Varasmas, Tim Karbatoy Sitan, Shia, Will you bozo? Namaskar, Pichus Premnath Shad, Sangeet Samrat, Sergei Vijay Malajias, Shadanjali. Tujit zan wup saluk travit magar asima mushak yaru tatur tulun zakhum thavit magar asima mushak yaru vijay malla Zabazad tot Nav khasangit aman maz Labun mushikil satar vit Magar asima mashak yaro Thazar bakshut Sangeetas kut purun jut asmanas sut Zameenas pet kadam travit Magar asima mashak yaro Khabar thavut nkasi अचीव चत जल जल गुरुत ग्नाचल नके अबीत नके बूजीत मगर असीमा मशक यारो छिपिद बीच आशक चशीम गिरिया खून दिल हारान हवस मेसी मंज से मिलन बीत मगर असीमा मशक यारो तवरी खस अंदर मोरख लेखन सनहर अचरौना बजर चौंदी समय हवीर मगर असीमा मशक यारो ग्रजा आवाज रोजी ता अबद चानी अमर रोज खजाना अख छुर सुरवीत मगर असीमा मशक यारो अकरिशार गसिन दरवा गसन दरवाज वथि स्वर्गस दयस पननीस मंगान छुस शाद गसिन दरवाज वथि स्वर्गस दयस पननीस मंगान छुस शाद रूहस शांति सकू प्रवीत मगर असीमा मशक यारो रूहस शांति सकू प्रवीत मगर असीमा मशक यारो तुजित जन उफ चलक त्रवीत मगर असीमा मशक यारो ततुर तुलवुन जखम थवीत मगर असीमा मशक यारो ओम शांति जी कृष्णा बेटा ये थे पीएन शाद साहब और अपनी श्रद्धांजलि उस दोस्त के लिए उस पुण्य आत्मा के लिए उन्होंने भेजी थी और हमने आप सबके साथ साझा की शाद साहब ने कहा मगर अस ना मशक यारो इच पोज वल्यू कृषा ते कर पानी माइक ऑन ते वल्यू इस बोजो यही शाद साहब लिखमुत मज आखिर
मौज आसान वलू बोजो मौज अखर मौज आसान यूज जन अस सारे माजन समर्पित कर। बिल्कुल मैं ये गाना आप सभी के सामने रखना चाहूंगी, प्रेमनाथ शाह जी का लिखा हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को पसंद आएगा। चूषणी रस अमृत चावान मुझे अखर मुझासान हो करे करे कुछ ललनावान मुझे अखर मुझासान कथिछनावान पत पत फेरान अंदरिम सुकिसान शेरान परान कथिछनावान पत पत फेरान अंदरिम सुकिसान शेरान परान अंतरिम चुकेसान शेरान परान सर हर हरित थल बल ख्यावान मछई अखर मजासान सर हर हरित थल बल ख्यावान सावान मछई अखर
शाद साहब नमन। शाद साहब तुह सटा सटा शुक्रिया तुहद श्रद्धांजलि सूझ दिल पे तुहद यह कलम रूजन मौजूद तुहज आश रूजन तुह रूज सेहत मंद तुह रूजू आशीर्वाद दिवान। जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं इस समय आज बहुत ही भावुक सेशन ये रहा। अब हम आखिरी गीत ले लेंगे हरमख भरतल, पर उससे पहले मैं कुछ आप लोगों से बात करना चाहता हूं जो इस सेशन में आप से करनी बहुत जरूरी है। आप हमारी कम्युनिटी है और आप हमारी कम्युनिटी का एक हिस्सा है और हिस्सा होने के नाते आपसे हमने अपने दिल की बात जो करनी है वो भी करनी चाहिए। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि मैं इस विजय मला जी के परिवार का एक सदस्य हूं। एक सदस्य होने के नाते मैं आपसे ये बात साझा करना चाहता हूं कि विजय मला जी के साथ सरकारों ने हमेशा भेदभाव किया। मुझे ये कहने में कोई भी परेशानी नहीं है, हमेशा भेदभाव किया जब वो हमारे साथ थे तब भी और उसके बाद भी। इस समय हमारी सारी कम्युनिटी यहां पर जुड़ी है, उन सबको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि उनके साथ किस तरीके का भेदभाव हुआ, आप सब लोग जानते हैं। मैं दो बिंदु यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि विजय मला जी के लिए पद्म भूषण के लिए रिकमेंड किया गया, पेपर्स तैयार हुए, फाइल बन गई, पर साल हुए, कई साल हुए, अभी तक उस फाइल का कुछ पता नहीं, लगभग 4 साल। दूसरा बिंदु यह है कि लगभग 4 साल पहले स्टेट अवार्ड अनाउंस किया गया स्वर्गीय विजय मला जी के लिए, जो आज तक भी परिवार तक नहीं पहुंचा। मैं इसलिए ये बात आपसे साझा कर रहा हूं उस परिवार का एक सदस्य होने के नाते। तो हम सबको ये चीज भी देखनी चाहिए कि एक व्यक्ति जब अपनी जिंदगी पूरी एक कला के लिए लगाता है तो सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि वो इन बातों को कह के फिर उनको पूरा करे। अगर मेरी बात इस समय उन अथॉरिटीज तक पहुंचती है तो वो इस विषय में कोई बहुत ही अच्छा निर्णय जरूर ले। मैं आपके साथ एक इमेज शेयर करना चाहता हूं अगर मैं कर पाया। ये एक तस्वीर है जो विजय मला जी और इनके साथ जो तबले पर व्यक्ति हैं वो जगजीत सिंह जी के साथ तबला बजाते थे, उनके साथ काम करते थे और उसके बाद इन्होंने परमानेंटली विजय मला जी के साथ काम करना शुरू किया। जब तक विजय मला जी हमारे साथ थे तब तक वो हमेशा विजय मला जी के साथ रहे। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो आपके साथ साझा करना बहुत जरूरी है। एक महान व्यक्तित्व थे स्वर्गीय सुर सम्राट विजय मला जी।
हम आखिरी पायदान पर है इस कार्यक्रम के। मन तो नहीं करता है इसको समाप्त करने का, पर जो हमारे साथ कृषा बेटा है उनको भी आराम की जरूरत है। पिछले 2 घंटे से वो प्रस्तुति दे रही हैं। आपसे मैं ये साझा करूं कि उन्होंने कई म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया और उनका नाम यहाँ लेना बहुत जरूरी है, जैसे कृष्ण लंगू जी, कुलदीप सप्रू जी। कुलदीप सप्रू जी के तो वो बहुत करीबी रहे हैं और उनके साथ बहुत सारा काम उन्होंने किया। राजेश खार जी के साथ उन्होंने काम किया, वहीद जीलानी जी के साथ काम किया और उन्होंने पूरी दुनिया तक अपनी आवाज के माध्यम से हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, स्वयं विरासत वातनोतिमो सरसी दुनिया स्तर वल्यू। आखिरी श्रद्धांजलि दिन ब्रू करव इस कृषाई जार पर इस करो रिक्वेस्ट कृषाई सुबोजन विनस हर मक बरतल तेम पत करो इस प्रोग्राम समापन। तो तथ सूत वन बु कि युजन अजुक यह प्रोग्राम श्रेय छु रेनु मलाजी गसा तिमो कर वरिया दोहो पे कृषाई सीतन ये मेहनत मेति दित्तिक इनपुट्स तो तेली हुक अस ये प्रोग्राम आज तहतान वात नहीं। ये सोरी श्रेय छु रेनु मलाजी गसा तिज मेहनत इस सल्यूट तो नमस्कार करा। कृषा हर मख बरतल। बिल्कुल। तो मैं ये गीत आपको सुनाना चाहूंगी, अगर कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। कंगा
सठा जान, कृषा बेटा, सठा जान, मैं कृषा आपको सैल्यूट करता हूँ। आपने इतने प्यार से, इतनी मेहनत से आपने आज सुर सम्राट विजय मल्ला जी को श्रद्धांजलि दी अपनी आवाज के माध्यम से। मैं रेणु मल्ला जी का भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, उन्होंने आज हमारे इस शो को इस काबिल बना दिया। उन्होंने सारी बारीकियां आपको समझाई, मेहनत करी काफी दिनों से, और ये शो हमने 9 मई को करना था, 9 मई के बजाय आज हमने 13 जून को ये शो किया। और आज हमने सुर सम्राट विजय मल्ला जी को याद तो किया ही, और मुझे पूरी आशा है कि हम सब ने अपने माओ को भी याद किया। और शाद साहब के जो बोल है उसमें तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अपनी माँ को याद ना किया हो। प्रभु से प्रार्थना है कि सभी अपनी अपनी जगह खुश खुशहाल रहे। वारका रुजन सरी पनपनी जाई पन्नीस अयाला सितन ये में महामारी निश बचेविन माता रहनी सर्वन। तो अथ सत करो इस प्रोग्राम मुख समापन। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ उस दिवंगत आत्मा, उस महान आत्मा को, और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि उनको हमेशा स्वर्ग में जगह दे, सदगति मिले। और साथ में ये भी कहूंगा कि वो गए जरूर हैं, पर वो हमारे मनों में हमेशा बस रहे हैं, बसते रहेंगे जब तक हमारी सांसें हैं। कृषा, आप कैसे श्रद्धांजलि दोगे इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले? मैं सबसे पहले सभी लोगों का जो मेरे देखने वाले हैं, और खास करके मेरे गुरुजनों का, मेरे परिवार वालों का, और रेणु मल्ला जी का सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगी मुझे इस काबिल बनाने के लिए कि आज मैं विजय मल्ला जी के गाने यहाँ गा सकूं। हालांकि उनके गाने वही गा सकते थे, मेरा ये एक छोटा सा प्रयास रहा। मुझसे गलतियां तो बहुत हुई हैं, मैं उन गलतियों पे काम भी जरूर करूंगी और आगे जरूर कोशिश करूंगी कि वो गलतियां दोबारा ना। बहुत बहुत धन्यवाद कृषा, मैं आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा, दादू दादी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। उन्होंने हमारे लिए ये धरोहर तैयार की है, जो आप इस धरोहर को आगे अगली जनरेशन तक लेके जाओगे, इसके लिए हम आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं उन सभी लोगों का, कम्युनिटी मेंबर्स का, और पूरे विश्व में जितने भी लोग हमसे जुड़े, भारत जी कनाडा से पूरे 2 घंटे हमसे जुड़े हैं, शुभांगी डिसोजा कुवैत से जुड़ी हमसे,
बीना देसाई जी जुड़ी, पिंकी कॉल जी जुड़ी, और पिंकी कॉल जी का तो अलग से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमेशा हमारी शोज में फेसबुक स्टार्स भेजती हैं आपका, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिश रहेगी कि हम ऐसा ही कंटेंट लेके आए इस शो के माध्यम से। मैं भी थोड़ी सी मेहनत करता हूं, पर आज सारी मेहनत रेणु जी की और कृषा की थी, और साथ में मैं आप सबको बहुत सारा प्यार भेज रहा हूं, और एक बार फिर विजय मला जी को कोटि कोटि नमन। इसके साथ ही हम प्रोग्राम का समापन करते हैं। कृषा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हम कृषा धन्यवाद बहुत धन्यवाद, सारा प्यार करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार नमस्कार।